हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड में। आई एम रोमा गुलाटी, योर मैथ्स टीचर, एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का हम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आया हुआ है, तो वो आप प्लीज़ वॉच करिए। आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जिसको फर्स्ट समझ आ गया, सेकेंड तो बहुत इजी लगेगा। इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस क्वार्टर। हमें क्या निकालना है? टेन पी माइनस क्वार्टर निकालना। तो आपको पहले टेन पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर क्वार्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड देन यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, राइट। तो अब देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी हमें फिगर दी है तीसरी साइड निकाल लो। दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी निकल जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास बेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। इन राइट ट्राइंगल दी हुई है फिगर, हमें गिवन है इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया इसमें। और क्या लगेगी, 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपरटेनियस। तो मतलब मेरे पास हाइपरटेनियस यहाँ क्या है, पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है क्यू आर स्क्वायर। निकाल लो जो साइड अननोन है। पी आर कितना हमारे पास, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना मेरे पास, 12 का स्क्वायर, क्यू आर मेरे पास नहीं है तो मैं निकाल लूँगी। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर। आपको मैंने स्क्वेयर्स निकालने भी सिखाए हुए हैं शॉर्टकट ट्रिक से, तो वो वीडियो भी प्लीज़ आप वॉच कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 169, 144 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 5, देन 2 25 बचेगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर मेरे पास कितना आएगा, क्यू आर इज अंडर रूट 25, उस तरफ रूट लेना पड़ेगा ना। तो मेरे पास क्या आ गया, जो क्यू आर है वो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर हो गया जी, क्यू आर तक। तो मेरे पास क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए टेन पी। पहले टेन पी निकाल लो। मैंने आपको बताया पहले फॉर्मूला रिकॉल करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये लास्ट वाला ये टेन का होता है, तो टेन का क्या हो गया, पी अपॉन पी। पहले फॉर्मूला लिख लो। आप देखो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, वही कंसेप्ट लगना है। यहाँ एंगल पी है, एंगल पी है, तो मैंने क्या बताया, पी के सामने वाली साइड, पी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो पी के सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर, और बेस क्या होगा, जो उसके साथ सटा हुआ है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर 90 डिग्री और जो एंगल है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। सीधी सी बात है, 90 डिग्री और जो एक्यूट एंगल है एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, बेस। तो बेस क्या हो गया, पी क्यू। तो मेरे पास टेन पी की वैल्यू कितनी आ गई, टेन पी कितना, यहाँ पे क्यू आर कितना है 5, और पी क्यू कितना 12। अब आप निकाल लीजिए कॉट आर। अब कॉट का फॉर्मूला, टेन का होता है पी अपॉन बी, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है ये भी मैंने बताया हुआ है, कॉट होता है रेसिप्रोकल टेन का। तो इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, बी अपॉन पी, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो बेस कितना होगा, अब आर एंगल को जरूर कंसीडर करना, अगर एंगल नहीं देखोगे सीधा लिख दो ना ये बेस के परपेंडिकुलर, गलत। एंगल आर है, तो एंगल आर है, अब आर के अकॉर्डिंग जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री एक ही लाइन पे आ रहे हैं, जहाँ एक ही लाइन पे आ रहे हैं वो बेस हो गया। तो बेस क्या हो गया आपके पास, यहाँ क्यू आर हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर के सामने वाला, आर के सामने वाला क्या हो गया, पी क्यू। तो इट मीन्स कॉट आर, कॉट आर कितना आएगा, क्यू आर कितना है 5, और पी क्यू कितना है 12, ठीक है। तो लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए मुझे फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी कितना है, टेन पी इज 5/12 एंड कॉट आर इज ऑल्सो 5/12, ये आर कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 0। तो आपका आंसर आ गया इसका 0, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इन नेक्स्ट वीडियो आई कवर क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।